पहली बार महर्षि वाल्मीकि आश्रम आज पे है कि सनातन से है, तो ये बात हमारे ऋषि महर्षि पुगोजन ने कहा है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम चार जगह बताया गया है, चित्रकूट, सीतामढ़ी और कानपुर के पास, यहाँ ये चार आश्रम। तो यहाँ पर जगत जननी माँ सीता रही है, लव कुश का जन्म आश्रम है। और मैं बच्चेपन से इस इतिहास को जानता हूँ, मेरा उम्र अब जो भी अभी आप देख रहे होंगे 50 साल हो गया यहाँ रहते हुए। मेरा नाम पुजारी राम बालक दास है, जगह जगह पर लिखा हुआ है। तो ये जगह जो है इतना पवित्र जगह है, अब जब भगवान दक्षिण भारत को स्वतंत्र किए उस समय महर्षि वाल्मीकि जी चल करके उत्तर भारत से यानी चित्रकूट से चल करके इधर आए थे। इसी बीच में संयोग वश जो दैव योग कहना चाहिए, पुनः सीता की वनवास की बात आई, तो लक्ष्मण जी माता जी के प्रति इतना क्रूर और कठोर नहीं थे कि जहां पाते वहीं छोड़ देते। वाल्मीकि के संरक्षण में वो रह चुके थे और इसलिए उन्होंने वाल्मीकि जी को पता किया, तो वाल्मीकि जी को पता चला कि वो इस तरफ दक्षिण दिशा की ओर गए। अयोध्या से या चित्रकूट से देखिए तो ये आश्रम ठीक दक्षिण दिशा की ओर पड़ता है। तो आप इस बात को मान करके चले, और न मानिएगा और तो हम क्या करेंगे। आजकल तो लोग मानने के तैयार नहीं होते हैं। अब पहले यहाँ पर कहना चाहिए बलि प्रथा, धीरे धीरे इतना बलि प्रथा चालू कर दी है कि यहाँ पर आदिवासी को और आदिवासी का क्षेत्र है, तो उसमें तो हम मानने और ना मनाने का कोई आवश्यकता नहीं समझते हैं। पर ये जगह बहुत ही पवित्र जगह है, ये ऐतिहासिक है। अगर ऐतिहासिक नहीं होता तो ऐतिहासिक को ही जान करके अभी माननीय भूपेश बघेल जी जो है इस जगह की मान्यता दे चुके हैं। तो ये आश्रम कहना चाहिए कि मतलब बहुत पुराना है, बहुत ही पुराना है, जिस समय त्रेता युग में भगवान राम की। अब ये कथा एक अलग प्रसंग हुआ, अलग प्रसंग की नाना भांति राम अवतारा और रामायण सतकोच पारा। पता नहीं कौन से रामायण की काल की बात है, ये नहीं कहा जा सकता है कि कितने, क्योंकि नाना भांति राम अवतारा कई बार उन्होंने अवतार ले चुके हैं। तो इस जगह पर कौन अवतार में वो आए ये हमसे जानकारी तो नहीं मिल सकती है, वो खुद आकर बताएंगे जिसका है। ये शक्ति उन्हीं का है, आश्रम उन्हीं का है, ये जगह उन्हीं का है, ये शरीर उन्हीं का है, ये वो ही बता सकते हैं भाई। अब ज्यादा इससे ज्यादा और क्या पूछना चाहिए।